नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। भाजपा के कुशवाहा को चुनौती देंगे सपा के राजभर। सलेमपुर लोकसभा में सुभाषपा प्रमुख एवं योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जादू राजभर समाज पर चलेगा या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम घोषित होने पर पता चलेगा। यहां भाजपा प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा को सपा प्रत्याशी तथा पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी चुनौती देंगे। एक तरफ भाजपा के कुशवाहा है तो दूसरी तरफ सपा के राजभर चुनाव मैदान में है। सपा ने इस विश्वास के साथ पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को चुनाव में उतारा कि उन्हें पार्टी के परंपरागत वोट के साथ ही राजभर समाज का वोट मिलेगा। यहां से सपा ने राजभर समाज का प्रत्याशी उतारकर एक तरह से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी धर्म संकट में डाल दिया है। अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनौती होगी कि वह अपने समाज का वोट भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दिलवा सकते हैं अथवा नहीं। राजनीतिक पंडितों की माने तो 10 साल बाद सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में राजभर प्रत्याशी मैदान में आया है। ऐसे में राजभर समाज के लोग बेहद खुश हैं। बताते चलें कि 2009 में बसपा में रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को चुनाव मैदान में उतारा था, इसमें श्री राजभर को जीत मिली थी। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि इनकी पकड़ बसपा के परंपरागत वोट पर भी है। कारण है कि वह लंबे समय तक बसपा से राजनीति किए हुए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा ने हरिकेवल कुशवाहा एवं बसपा ने रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को मैदान में उतारा था। सीधी लड़ाई में सपा प्रत्याशी हरिकेवल कुशवाहा को बसपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने पराजित कर दिया। फिर 15 साल बाद कुशवाहा एवं राजभर के बीच लड़ाई होगी। उस समय पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी के सामने मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा के पिता हरिकेवल कुशवाहा मैदान में थे। लोकसभा चुनाव 2024 में मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी से मुकाबला होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीटीए का ध्यान रखते हुए कहा, पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से कई मजबूत दावेदार टिकट की लाइन में थे। वैसे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा एवं राजभर बिरादरी का वोट लगभग बराबर बराबर है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सलेमपुर लोकसभा में लगभग 2,70,000 कुशवाहा एवं 2,90,000 राजभर समाज का वोट है। सपा नेताओं की माने तो सलेमपुर लोकसभा में राजभर को लड़ाने के पीछे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी मंशा है कि उन्हें अगल बगल की सीटों पर भी राजभर वोट करेगा, इसका लाभ सपा को मिल सकेगा। गौरतलब हो कि 2014 में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मोदी लहर में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की हवा निकल गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक रथ पर सवार रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव 2024 में आमने सामने होंगे। जहां भाजपा के रथ पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सवार होंगे, वहीं सपा के रथ पर सवार होकर रमाशंकर राजभर विद्यार्थी भी अपने समाज को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास करेंगे। भाजपा ने बलिया लोकसभा सीट पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को मैदान में उतार दिया है, लेकिन सपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के सामने सपा से कौन चेहरा होगा, इसका फैसला 16 अप्रैल को हो जाएगा। रविवार को लखनऊ में बलिया लोकसभा को लेकर सपा कार्यालय में बैठक हो चुकी है। इसमें सपा के दावेदार पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, नारद राय, सनातन पांडे मौजूद रहे। उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव भी थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सभी दावेदारों से एक एक करके बातचीत की। तीन प्रमुख दावेदारों में किसे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इसका फैसला आज यानी 16 अप्रैल को हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।